हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ओप्पो का फ़ोन है। मॉडल है इसका ओप्पो A3s। ये काफ़ी पुराना मॉडल है और लेकिन चलता बढ़िया है। ओप्पो का फ़ोन काफ़ी बढ़िया चलता है। इसमें मदरबोर्ड वगैरह में मेन बोर्ड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो डिज़ाइन भी इसका काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हैं इसका बैक पैनल जो है वो बाहर दिख रहा है, झांक रहा है, तो हो सकता है इसकी बैटरी फूल गई हो, जिससे इसका बैक पैनल जो है वो बाहर आ रहा है। और इसमें हमें डिस्प्ले चेंज करना है। देख सकते हैं आप, डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो गया है। इन्होंने ग्लास चेंज करवाया था, तो ग्लास चेंज करने के कुछ दिन बाद ही ये डिस्प्ले काला पड़ना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप, काला हो गया है। और टच जो है, इसका ग्लास जो है वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ कहीं से भी, और डिस्प्ले जो है वो काला पड़ गया है। तो इसमें हमें डिस्प्ले भी चेंज करना है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल डिस्प्ले इसमें डैमेज है, अंदर से काला पड़ रहा है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये बैक पैनल की तरफ से ओपन नहीं करना है इसे, ये फुल बॉडी ओपन होगा। तो बैक पैनल बाहर आ रहा है, उधर से अगर हम ओपन करेंगे तो इसका पेच नहीं खोल पाएंगे, तो इसे फुल बॉडी के साथ ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप, ये ओपन हो चुका है। ये दोस्तों बैटरी जो है सही से बैठा हुआ नहीं है, जिसके कारण बैक पैनल बाहर आ रहा था, तो इसे हम जब बिठाएंगे तो सही से बिठा देंगे। चलिए इसका पेच ओपन कर लेते हैं और वीडियो को पॉज कर देते हैं। ये हमने वीडियो को पॉज कर दिया और पेच सारे ओपन कर लिए हैं, तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। दोस्तों ये मेन बोर्ड का कवर है, एक तरह से समझ सकते हैं। ये काफ़ी स्टील का है, जिससे इसका ग्राउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी वाईफाई नेटवर्क वगैरह का अच्छा पकड़ेगा, और मदरबोर्ड की भी फुल सेफ्टी रहेगी। अगर पानी डैमेज या धूल मिट्टी जाता है तो डायरेक्ट मेन बोर्ड पर नहीं पहुँच पाएगा, तो इसमें फुल सेफ्टी के लिए दे रखा है स्टील का बॉडी। तो चलिए ये नेटवर्क केबल है हमारा, इसे रिमूव कर लेते हैं। ये मेन बोर्ड है हमारा, इसे रिमूव कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, मेन बोर्ड है ये, और काफ़ी इसकी पैकिंग अच्छी है। देख सकते हैं पूरी स्टील पैकिंग है, और तांबे का एक टेपिंग भी की हुई है। देख सकते हैं आप, और पूरी पैकिंग है, एक भी कंपोनेंट बाहर नहीं है। और कंपोनेंट बाहर भी है तो उसे फेविकॉल द्वारा सील किया गया है, जिससे वाटर डैमेज से बचा रहे। देख सकते हैं आप, इसीलिए इस ये फ़ोन में मदरबोर्ड में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है, ओप्पो के फ़ोनों में। देख सकते हैं हर जगह सील है फेविकॉल द्वारा। चलिए बैटरी को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी सही से बैठी नहीं है, तो इसे रिमूव कर लेंगे तो ठीक से इसे बिठा पाएंगे, जिससे इसका बैक पैनल भी सही से बैठ पाएगा। ये बैटरी की प्लास्टिक है, इसे भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें बैटरी को ठीक से बिठाना है, जिससे इसका बैक पैनल सही से बैठ पाए। दोस्तों ये टेपिंग काफ़ी हार्ड टेपिंग है, ओप्पो वालों की तरफ से इन्होंने काफ़ी हार्ड टेपिंग बैटरी की कर रखी है। देख सकते हैं आप, इसे रिमूव करने में पूरा टेबल कैमरा हिल जा रहा है, और टेपिंग भी देख सकते हैं कितना उंगली आपका चिपक जाएगा, इतना टेपिंग हार्ड है इसका। देख सकते हैं आप, तो काफ़ी हार्ड टेपिंग करते हैं। ये डिस्प्ले का पत्ता है, चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम इस डिस्प्ले को फ्रेम से निकाल लेते हैं। दोस्तों डिस्प्ले को फ्रेम से निकालते टाइम में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्लास जो हम तोड़ के निकालते हैं, क्योंकि सेम इसी को तो लगाना नहीं है, इसमें नया लगाना है, तो इसे हम तोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो तोड़ते टाइम फ़ोन को थोड़ा ध्यान देना है। फ़ोन में अगर ध्यान नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके हाथ तो उंगलियों को ध्यान देना है, क्योंकि ये कट भी सकते हैं। तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, देख सकते हैं कितना शार्प है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो या आप फ़ोन ओपन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान आप नहीं देंगे, जल्दीबाजी में आप करेंगे, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं ये डिस्प्ले इसका अलग है और ग्लास इसका अलग है, तो इन्होंने ग्लास चेंज करवा रखा था, जिसके कारण इसका ग्लास जो है वो बिल्कुल सही था और डिस्प्ले डैमेज हो रहा था।
चलिए फ्रेम जो है इसको हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन फ्रेम, दोस्तों हमारा फ्रेम क्लीन ही है एक तरह से, हमने वीडियो पॉज करके फ्रेम क्लीन कर लिया था। ये न्यू डिस्प्ले है, ये फोल्डर पूरा है, इसमें ग्लास जो है इसके साथ ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें डिस्प्ले रिमूवल नहीं है, ग्लास और टच और डिस्प्ले जो बोलते हैं एक साथ ही है इसका। तो चलिए इसे चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्प्ले अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, फिर लगाना चाहिए, फिर फिक्स करना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें फेविकॉल नहीं लगा होगा, अगर ये कहीं से डैमेज होता है या टच काम सही से नहीं करता है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे फिक्स कर देते हैं, उसके बाद अगर टच काम सही से नहीं करता या टच लैग करता है, तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको है जो पहले चेक करना होगा अच्छे तरीके से, अगर टच लैग वगैरह कर रहा है तो आप इसे चेंज करा के दूसरा ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम मेन बोर्ड को लगा देते हैं। ये हमारा डिस्प्ले का जैक है, इसे लगा देंगे और बैटरी को कनेक्ट करके फिर चेक करेंगे। दोस्तों चेक करते टाइम थोड़ा डिस्प्ले को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये अभी फिक्स हुआ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रख के चेक करना होगा। देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, लाइट आ गई है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले की लाइट जो है वो बिल्कुल सही है। अभी ओपन हो जाता है तो इसे हम टच को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है, चलिए अब टच को चेक करते हैं। दोस्तों अगर फ़ोन खुला होता है तो थोड़ा टच जो है थोड़ा कम काम करता है, और थोड़ा ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लेता है फ़ोन। तो अभी फ़ोन ओपन है इसलिए थोड़ा टच जो है वो स्लो काम कर रहा है, फ़ोन जैसे एप्लीकेशन वगैरह है वो फटाफट नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा रैम भी कम है, देख सकते हैं आप, इसमें 3 GB रैम है, इसीलिए एप्लीकेशन को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये ओप्पो A3S है, बाकी टच तो बढ़िया काम कर रहा है, देख सकते हैं आप, टच में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लग रही है। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, इसलिए इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, देख सकते हैं आप, बाकी टच बहुत बढ़िया काम कर रहा है, टच में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों टच को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि ये फिक्स करने से पहले, क्योंकि अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे तो अगर फिक्स कर देते हैं, अगर ये आधा टच काम करता है आधा नहीं करता है, या ए की जगह पे बी आ जाता है, बी की जगह पे डी आ जाता है, ऑटोमेटिक काम करता है, तो अगर फिक्स कर देते तो ये वापस नहीं होगा और कस्टमर भी नहीं लेगा, तो ये आपके गले पड़ जाएगा। ये ऐसा काफ़ी बार हमारे साथ हुआ था पहले जब हम काम सीख रहे थे, तो कभी कभार तो रबर लगाने से टेपिंग करने के बाद चेक करने पर अच्छा काम करता था, और जब रबर लगा के हम रख देते थे उसके बाद टच ही काम करना बंद कर देता था, तो फिर हमें ओपन करना पड़ता था। तो ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, देख सकते हैं, जैसा कि अभी ये टच बीच में रुक रहा है, काम नहीं कर रहा है, पासवर्ड डाल दे तो ये ओपन की वजह से भी हो सकता है, ये फ़ोन जो खुला हुआ है तो जिसके कारण भी हो सकता है कि ये टच काम सही से नहीं कर रहा है। बाकी चलिए दोबारा चेक करते हैं, दोस्तों बिल्कुल काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इसे हम फिक्स करने के बाद देखते हैं, तो चलिए बैटरी रिमूव कर देते हैं, डिस्प्ले का पत्ता भी हमने रिमूव कर दिया और मेन बोर्ड को निकाल देते हैं। ये हमारा फ्रेम है जो बिल्कुल क्लीन है, आपको भी क्लीन कर लेना चाहिए,
और बिल्कुल क्लीन करके ही डिस्प्ले लगाएं। अगर कहीं से भी इसमें पहले का फेविकॉल वगैरह रहा तो अंदर से पीलापन, धब्बा, ब्लैक डॉट वगैरह डिस्प्ले के अंदर आ सकती है, जो नीचे से आपको दिखेगी। आप जब वाइट डिस्प्ले होगा तो आपको नीचे से दिखेगा, इसलिए आपको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। कहीं से भी डॉट वगैरह, धूल मिट्टी, डस्ट या पिछला जो फेविकॉल है वो ना रह जाए। और फिर आपको हल्के हल्के फेविकॉल लगाना है। अगर ब्लैक फ़ोन है तो आपको ब्लैक फेविकॉल यूज करना चाहिए, अगर वाइट है तो वाइट यूज करना चाहिए। जिससे क्या होता है, थोड़ा फिनिशिंग दिखता है, क्योंकि फ़ोन में फिनिशिंग भी मायने रखता है। आप जैसे तैसे चिपका के कस्टमर को दे दोगे तो फिर कस्टमर बोलेगा कि भाई ये तो सही से चिपका ही नहीं है, फिर वो ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। बाकी हमारा फ़ोन देख सकते हैं, बीच में मैंने पॉज करके वीडियो चिपका दिया इसे, और रबड़ भी लगाया था इसमें जिससे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए हम रबड़ को उतार लेते हैं। और इसकी ये जो टेपिंग है कंपनी की, प्रचार की, ये भी हटा देते हैं। और अब चेक करते हैं कि हमारा टच सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अगर सही से काम करेगा तो ये फिर चलता ही रहेगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये अभी रुक जाता है तो फिर ये आपके गले, समझो ये आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि ना तो ये दुकानदार वापस करेगा जहाँ से आप लाए हैं, नहीं कस्टमर लेगा। तो यही सब चीज़ रबर लगाते टाइम, फिक्स करते टाइम ध्यान देना होता है। तो देख सकते हैं हमारा टच जो है बीच बीच में रुक रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही काम कर रहा है पानी की तरह, लैग वैग कुछ नहीं कर रहा है। और रैम कम होने के बाद भी ये बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। टच जो है वो कहीं से भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल पानी की तरह काम कर रहा है, देख सकते हैं। कोई भी ऐप अगर ओपन कर रहे हैं तो फटाक से ऐप ओपन हो जा रहा है। इसका मतलब ये टच जो है ये फ़ोन के कंफर्टेबल में है, जिससे ये लैग नहीं कर रहा है, जिसे हम हैंग कहते हैं। अगर कोई टच इसके कंफर्टेबल में नहीं होता है तो हम ओपन करते तो ऐप को थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल क्लियर चल रहा है। तो फर्स्ट कॉपी लेने का यही फ़ायदा है।